Welcome to FA Book Lesson Number 89 Review 1. I'm Manju and you are watching Easy Free Education. Friends, learning student, I hope aapko meri video useful और समझ आती हो. अगर समझ आती है तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा वीडियो को. और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि उसी के थ्रू आपको मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती है. तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन 89 रिव्यू 1. तो दोस्तों, पॉइंट ए में माई बुक रिपोर्ट, ओके, जो आप FA द्वारा आपने बुक रीड की है, एक बुक के बारे में आपको राइट डाउन करना है. ठीक है, क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पॉइंट ए, ये देखिए आपको मेरा इंटरफेस दिख रहा है. टाइटल, ऑथर नेम, ओके, इलस्ट्रेटर, ठीक है. तो टाइटल में आ जाएगा आपका बुक का नाम, ठीक है. द सीक्रेट 7 में पढ़ रही थी तो मैंने वही राइट डाउन करी थी. ऑथर में जिसने वो बुक लिखी है उसका नाम आ जाएगा, ऑलराइट. और इलस्ट्रेटर में आपका आ जाएगा लुक आउट सीक्रेट 7, क्योंकि सीक्रेट 7 के कई भाग हैं, तो अलग अलग भाग है. सीक्रेट 7 1 2 3 4, तो मैं उनमें से सीक्रेट 7 पढ़ रही थी, ओके, अलग अलग नाम से. तो लुक आउट सीक्रेट 7, ठीक है, तो वो आएगा. आई होप आप समझ होंगे दोस्तों. ठीक है, अब कैरेक्टर में आपका आ जाएगा जो जितने भी सीक्रेट 7 बुक में जो कैरेक्टर हैं तो उनके नाम आएगा. जो भी आपके बुक में कैरेक्टर उनके नाम. मेरा था पहले पीटर, कॉलिन, बार्बर, रिचल एंड सूजी, तो मैंने उनके नाम लिखे थे. ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं सेटिंग पे. बेसिकली दोस्तों, दिस स्टोरी मोस्टली टेक्स प्लेस इन, तो दोस्तों आपको कुछ स्टोरी के बारे में लिखना है. दे हैव अ सीक्रेट क्लब, दे वेयर मीट देयर. तो बेसिकली उनका एक सीक्रेट क्लब था, उससे रिलेटेड स्टोरीज थी, तो मैंने यहाँ पे वो राइट डाउन करा. और आप उनका सीक्रेट 7 के बारे में ड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है. पहले यहाँ उनके बारे में राइट डाउन करना है कुछ हिंट, और फिर ड्रॉ भी कर सकते हो. अब आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. इन दिस स्टोरी कैसे आप राइट डाउन कर सकते हो अपने वे में. इन दिस स्टोरी सम फ्रेंड्स मेकिंग फन फॉर देम जस्ट लाइक दे प्रटेंडन दे आर अ डिटेक्टिव. वो सोचते हैं कि वो डिटेक्टिव हैं, वो प्रटेंड करते हैं अपना क्लब हाउस बना के खुफिया, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं दोस्तों. नेक्स्ट हो गया दोस्तों द प्रॉब्लम्स वॉज सॉल्व. तो स्टोरी में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आप राइट डाउन कर सकते हैं. दे सेव्ड द बर्ड्स ऑन द ट्री when bird was falling down, okay. problem उन्होंने कैसे सॉल्व करी. my reading buddies, आपका reading buddies के बारे में. good and कुछ भी लिख सकते हो अपने buddy के बारे में यहाँ पे, okay. यहाँ पे buddies के बारे में लिखना है. चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों. if I had to design the cover of the book, this is what it would look like, okay. तो दोस्तों आपको कवर पेज ड्रॉ करना है यहाँ पे, और उसका टाइटल नेम इधर लिख देना है. आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है. फिर आई विल रेट इट, आपको रेट करना है कितने स्टार आपको इस बुक को देने हैं. मैंने 4 दिए थे, आप अपने वे में दीजिएगा, ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे. पॉइंट बी में दोस्तों माई बुक रीडिंग एक्सपीरियंस, ओके. ड्यूरिंग द बुक रीडिंग सेशन आई लाइक, तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है. क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने रीड करते हुए अपने आप पे प्राउड किया, क्या डिफिकल्टीज फेस करी, क्या आप इम्प्रूव करोगे, वो राइट डाउन करना है, ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों. सो दोस्तों मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, मैं बता देती हूँ आपको. रीड द बुक एंड डिस्कस विद group about the story. I am proud of myself and my buddies also, we read together. The difficulties part of some words I
कांट रीड इट, नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ टू रीडिंग न्यू वर्ड्स। तो दोस्तों आप अपने वे में राइट डाउन कर लीजिएगा, मैंने अपने वे में किया था। आई होप आपको दोस्तों ये यूज़फुल लगा होगा वीडियो। यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसमें कोई पेमेंट नहीं करनी होती, बस एक बटन क्लिक करना होता है और बस, और उसके थ्रू आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो दोस्तों यूज़फुल लगी तो शेयर कीजिए, और मैं चलती हूँ न्यू टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।